ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र होता है। बता दें आपको कि राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन तीन राशियों की, जिनको मिल रहा है विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ का योग बन रहा है। जिस भी कार्य को करेंगे उसमें इनको सफलता जरूर मिलेगी। बता दें आपको कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कोई बड़ी डील होने से धन लाभ का योग बन रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो बॉस आपके कार्य से प्रभावित होकर आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। यदि आप किसी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने का योग बन रहा है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़ों से सलाह लेकर, मित्रों से सलाह मशवरा करके आप अपने विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार निवेश करें। मेहनत और लगन के साथ कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बता दें आपको कि यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या नया स्टार्टअप करना चाहते हैं या नया स्टार्टअप किया है तो बता दें आपको कि मेहनत और लगन के साथ कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपका घरेलू बिजनेस है तो बता दें आपको कि लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको मेहनत और लगन के साथ कार्य करना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि तीन भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी का इनको आशीर्वाद मिल रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको ये तीन भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। तीन भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। चलिए फिर से बता देते हैं ये तीन भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। ये तीन भाग्यशाली राशियां हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट ऑन स्पेशल रिपोर्ट।